शिमला खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि नई खेल नीति तैयार हो गई है और यह केंद्रीय खेल मंत्रालय को सौंपी गई है। आने वाली 11 दिसंबर को फिर मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर धर्मशाला, इस दौरान उनके साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से स्पोर्ट्स पॉलिसी पर पहले की चर्चा कर ली गई है। विभाग के पास 48 करोड़ का कुल बजट है जिसमें से 24 करोड़ रुपए सैलरी पर ही खर्च हो जाते हैं। खेल मंत्री ने कहा कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अलग अलग खेलों के कोच के पद भरने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए अलग अलग एसोसिएशन से भी संपर्क किया जा रहा है। विभाग कई खेल संस्थाओं और एसोसिएशन से संपर्क करेगी जिससे इनकी सहायता से भी रिक्त पद भरे जा सकते हैं। लगभग तैयार है, सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि आज केंद्र में जो विभाग खेल कूद का जिनके पास है वो भी हिमाचल के एक सपूत हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी। मैं पिछले दिनों उनको दिल्ली मिलकर आया था और स्पोर्ट्स पॉलिसी उनको मैं देकर आया हूँ और कुछ उन्होंने संशोधन उसमें हमें दिए हैं जो हम उसमें कर रहे हैं। बाकी फाइनल मीटिंग हमने 11 तारीख को धर्मशाला में रखी है, तो 11 तारीख को आदरणीय अनुराग जी धर्मशाला आ रहे हैं और मैं उनके हाथ से जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस करवाने वाला हूँ और कुछ और एडिशन डिलीशन जो भी हैं वो अब फाइनल स्टेज पे हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी लगभग बनकर तैयार है क्योंकि हमारे पास केंद्रीय मंत्री हमारे प्रदेश से हैं और हमारे एक नौजवान साथी हैं और एक यूथ आइकॉन हैं अनुराग जी। मेरी विस्तार से बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी से और अनुराग जी से बात हुई है और 11 तारीख को जैसे अनुराग जी आएंगे एक विशेष हम बैठक करके अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी उन्हें अनाउंस करेंगे। देखिए बहुत कुछ जो पुरानी पॉलिसी अभी तक तो कोई पॉलिसी किसी की थी नहीं यहाँ पे। अब जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि हमारा एक बेटा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया तो उसको पॉलिसी के तहत तो उसके लिए कुछ था ही नहीं कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए 50 लाख से ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं था। एक वैसे ही हमारा बेटा ऊना का सिल्वर मेडल लेकर आया पैरा ओलंपिक गेम्स में, उनके लिए तो पैरा ओलंपिक्स के लिए तो कोई लाइन ही नहीं थी इसमें कि इनको कोई 5 पैसे भी देने या इनको रिकग्नाइज भी करना। तो अब उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको भी बेटे को जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया उसको भी 1 करोड़ रुपया दिया, जो ये दूसरा बच्चा आया सिविल मेडल लेके इसको भी 1 करोड़ रुपया दिया। तो अब उसी तरीके से जॉब्स में जो है इनकी कोटाज, इनकी विमेन डिपार्टमेंट्स में इनकी एडजस्टमेंट्स, अपना बिजली बोर्ड में हमारे पास जो थी कुछ कैटेगरीज की ही पोस्टें जो थी वो स्पोर्ट्स कोटे में ली जाती थी, अब उसको कैटेगरी को बढ़ाया गया। बहुत सी बातें हैं जिसमें एक स्पोर्ट्समैन फ्रेंडली पॉलिसी बनाने का हमने प्रयास किया जिसमें एक बच्चा ये महसूस करे कि अगर मैं खेल रहा हूँ ठीक है, मैं जीत रहा हूँ या मैं हार रहा हूँ, पर मेरे ऊपर एक आशीर्वाद है, एक सरकार का हाथ है और एसोसिएशन के साथ गवर्नमेंट की रोल और फ्रेंडली हो, और पॉजिटिव हो, और एक किस्म का एक टीम के रूप में हम दोनों काम करें क्योंकि असली अल्टीमेटली टीम्स एसोसिएशन बनाती हैं, रिप्रेजेंट प्रदेश को एसोसिएशन करती हैं, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर सबको कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा फ्रेंडली वातावरण बना के कि सरकार के प्रति, क्योंकि केवल एसोसिएशन हमारे तक ग्रांट्स तक ही ना लिमिटेड रहे हैं, उसमें हमारा और एसोसिएशन का रोल बराबर का रहे ताकि एक विशेष चैप्टर में जो हम हाथ लगाना चाह रहे हैं कि सिफारिश ना चले केवल मेरिट ही प्रिवेल करे। बच्चे ऐसे होते हैं वो सिफारिश के चक्कर में ही कि चलो जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेशनल खेल लेंगे तो कोई ना कोई हमें नौकरी में हमारा कोटे में नाम आ जाएगा, पर जो अच्छा टैलेंट बच्चा है वो वहाँ पे रह जाता है। इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि टैलेंट के साथ कहीं कंप्रोमाइज ना हो, मेरिट के साथ कहीं कंप्रोमाइज ना हो। इस तरीके से मैं आप विस्तार में नहीं बता पाऊंगा, बहुत सी चीजें हैं, बहुत लंबी चौड़ी पॉलिसी, एक स्पोर्ट्समैन फ्रेंडली पॉलिसी और टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन बिग वे, और सबसे खास बात इसमें ये भी रहेगी कि हम टैलेंट सर्च पे जोर देंगे। पिछले 2 साल से भाई साहब बिल्कुल का सारा कोरोना की वजह से हमारा स्पोर्ट्स का जो है ये सारा का काम जो है बैकफुट पे आ गया है। बच्चे स्टेडियम्स नहीं आ पाए, हमारे कैंप्स नहीं लग पाए कोरोना की वजह से। अब ओमिक्रॉन का नया नाम का स्ट्रेन एक फिजिकली और एक मेंटली डरा रहा है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। इसलिए मेरा तो पिछला 1.25 साल का टेंडर पूरा का पूरा कोरोना में निकल गया, तो हम कई बार हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी को बना के तैयार करके हम इसको करना लाए पर एक एटमॉस्फेयर ही फेवरेबल नहीं था, एक एटमॉस्फेयर प्रो स्पोर्ट्स नहीं था जहाँ पे हम किसी चीज़ को ले आते और उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाते। कुछ अब एक हौसला हुआ है, कुछ राहत मिली है, पर ये ओमिक्रॉन के स्ट्रेन के बाद फिर से थोड़ा सा हमारी ब्रेक्स लग रही है, बट फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और 11 तारीख को स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस कर।
एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी भी कहीं भी जिंदगी में फेल नहीं होता। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होता है जिसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लड़ने की आदत होती है, फर्स्ट आए या सेकंड आए या लास्ट आए, पर वो लड़ता रहता है, वो डरता नहीं, वो अगली बार फिर पार्टिसिपेट करता है और अमूमन बच्चे जो लगे रहते हैं वो जीत कर आते हैं, चैंपियंस बनते हैं। तो जो जिस बच्चे को छोटी उम्र में चैंपियन बनने की आदत पड़ जाए वो कभी अपनी जिंदगी में हारता नहीं है। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर आप हर एक बंदे को नौकरी नहीं दे सकते। कई बार मैं देखता हूँ आप पत्रकार भाई होंगे, इंटरव्यू छपते हैं, चार बार नेशनल खेला हुआ है, आप ये चाय की दुकान पे काम कर रहा है, चार बार नेशनल खेलने से नहीं आपका एक यार्ड स्टिक सेट हो जाता। आपको वहां पे जाके नेशनल में अवार्ड लेना है, मेडल जीत के आना है, आपको आइडेंटिफाई करना, खबरों के लिए खबर तो बन जाती है, पर वही कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्समैन का वहां से मोराल भी टूटता है ऐसी खबरों के माध्यम से। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि हमको स्पोर्ट्स को पॉजिटिवली स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और स्पोर्ट्समैन को स्पेशली हाई स्पिरिट्स में आगे बढ़ाना है। इसको भी क्लब किया है अनुराग जी, अब फाइनल मैं उनको परसों भी पूरा ड्राफ्ट देकर आया हूँ दिल्ली के अंदर और उन्होंने कहा कि मैं इसमें और कुछ अमेंडमेंट्स होंगे कर रहे, क्योंकि देखिए आज केंद्रीय मंत्री हमारे पास हिमाचल प्रदेश का है तो उनको कॉन्फिडेंस में मैंने लेना ये समझा कि ठीक रहेगा, क्योंकि आखिर भारत सरकार और हिमाचल सरकार दोनों मिलकर, बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट है ये और बजट है नहीं। सच्चाई की बात यह है कि हमारे पास 48 करोड़ का बजट पिछले साल का था जिसमें 24 करोड़ की तो सैलरीज का ही जो है एस्टिमेट्स थे। तो आप इमेजिन करें कि एक इतने बड़े प्रदेश को आप 25 करोड़ के साथ क्या देंगे, क्या कर पाएंगे। इसलिए हम एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाज ऑलवेज लैगिंग डिपार्टमेंट की जो खाना पूर्ति पूरा करने वाला विभाग था। अब मोदी जी का विजन बदला है, मोदी जी ने जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स को एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा है और नेशनल इमेज के साथ जोड़ा है, उसमें अब हमें एक अच्छा भविष्य अपने स्पोर्ट्समैन के लिए और अपनी बच्चियों के लिए नजर आ रहा है। तालमेल कुछ एसोसिएशन के माध्यम से, कुछ हमारे माध्यम से, ये आने वाले दिनों में हम जैसे कोरोना खत्म होता है और बच्चे फील्ड में उतरते हैं कोशिश की कभी नहीं आने, ये भी प्रस्ताव रखा है हमने। हमने ये प्रस्ताव रखा है कि आप जिनका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, अब अनुराग जी रणजी ट्रॉफी खेले हुए तो क्या वो क्रिकेट एसोसिएशन को क्यों नहीं हेड कर सकते। अब मैंने दो बार नेशनल गेम्स खेली हुई है, अब जो लोग अब कांग्रेस में रामलाल ठाकुर जी नेशनल प्लेयर रहे हैं, ऐसे जो लोग जिनका कैरियर शुरू से जो है स्पोर्ट्स से जुड़ा हो उन लोगों को पार्टिसिपेट करना तो ठीक है। जिन लोगों ने केवल पॉलिटिकल पोस्ट के लिए इसको, मैं तो वैसे उनसे अपील करूंगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम उनको खुद ही ये पद छोड़ देने चाहिए ताकि स्पोर्ट्समैन ही आगे आए और वही आगे लीड करें। आपकी एड्रेस की है अपनी बात में, क्योंकि इस ओलंपिक्स के बाद मोदी जी ने जो हमें टारगेट दिया है पूरे देश के अंदर कि अगले 3 साल के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स होनी है वहाँ पे हमारा झंडा कम से कम 50 बार जो है ऊपर आसमान की तरफ चढ़ना चाहिए और हमारा नेशनल एंथम 50 बार ही गाया जाना चाहिए। उसके लिए पर एक प्रदेश पर एक स्पोर्ट को भी स्पेशलाइज करने के लिए पॉलिसी आ रही है। बजट की अब हमें कमी नहीं आएगी, जो हमें केंद्र सरकार की तरफ से अनुसार जो हमें जो विश्वास मिला है, पर जैसे मैंने कहा कि कोरोना की वजह से अब सारा के सारा भी ब्रेक्स लगी हुई है। जो आपने बात की टैलेंट सर्च के अंदर वो सारा काम आ जाएगा, जो मैंने आपको कहा कि स्कूल की स्पोर्ट्स हो या विभिन्न टूर्नामेंट्स हो, ये सारा टैलेंट सर्च के तरह था। आपने कई बार देखा होगा हम लोग, मैं स्कूल की स्पोर्ट्स में जाता हूँ, गाँव के अंदर हमें वॉलीबॉल खेलती है 6-6 फुट की लड़की मिलती है, क्या हम उनको पिक कर पाते हैं? उनको पिक करने के बाद क्या हम एक साइंटिफिक ट्रेनिंग दे बैठते हैं? क्या उनको पिक करने के बाद हम उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा होस्टल, अब केवल साई के माध्यम से वो हो रहा है, वो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं। हम चाहेंगे कि इस किस्म की एकेडमीज हमारे हर जिले में डेवलप हों जहाँ पे ऐसे स्पॉटेड बच्चे जो हैं, टैलेंटेड बच्चे जो हैं, उनको स्पॉट करके उनको निखारा जाए, उनको तैयार किया जाए ताकि भविष्य में वो हिमाचल का और देश का नाम रोशन कर सके। पिछले 4 साल में जितने सेशन हुए हैं हर एक सेशन में उनका यही जवाब आता है कि हम आक्रमण करेंगे, हम सरकार को घेरेंगे। आज तक तो कामयाब हो नहीं पाए और ना ही इस सेशन में हो पाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार पूरी तरह तैयार है, सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया, सरकार ने केवल अपने आप को, अपनी भूमिका को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। हमने कोरोना वॉरियर के रूप में हमारी सरकार उभर के सामने आई है। हिमाचल प्रदेश हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री जहाँ तक कोरोना मैनेजमेंट की बात है। इसके अलावा विकास को हमने थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, विकास ऐसे ही निरंतर चल रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। हम बिल्कुल कांग्रेस को और अपोजिशन को विधानसभा के फ्लोर पे लेने के लिए तैयार है। इस बार फिर हम ही जीत के बाहर आए। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।